दोस्तों, इस वीडियो में मैं सबसे बात करने वाला हूँ कैनन के दो नए DSLRs के बारे में, जो कैनन ने हाल ही में दो नए DSLRs लॉन्च किए थे, कैनन 3000D और कैनन 1500D। दोस्तों, आज इन दोनों कैमरास के मैं फीचर्स के बारे में बताऊंगा, इनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा कि ये कैमरास आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आज आप इस वीडियो क्लास तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कैनन 3000D यानी 3000D के बारे में। मैं उसकी एक बार आपको स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ कि क्या क्या उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। जो कैनन का 3000D यानी 3000D है, उसके अंदर आपको 18 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। कैनन का डिजिक 4 प्लस इमेज प्रोसेसर देखने को आपको मिलता है, जो कि काफ़ी पुराना प्रोसेसर है। ऑटो फोकस पॉइंट की बात करें तो 9 ऑटो फोकस पॉइंट आपको उसके अंदर देखने को मिलते हैं। स्क्रीन की बात करें तो 2.7 इंच की LCD डिस्प्ले आपको उसके अंदर देखने को मिलती है। और दोस्तों, बात करें ISO की, तो ISO उसमें आप 100 से 400 के बीच में सेट कर सकते हैं, जिसको आप एक्सटेंड करके आप 12800 तक भी कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके अंदर आपको वाईफाई का सपोर्ट भी मिल जाता है। और बाकी स्पेसिफिकेशंस कुछ रह गई हो तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी कैनन 1500D की जो है स्पेसिफिकेशंस, वो मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करने वाले हैं कैनन 1500D के बारे में कि भैया इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, इसके अंदर आपको क्या मिलता है। फिर उसके बाद में मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, बात करें कैनन 1500D के बारे में, तो उसके अंदर आपको 24.1 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। वाईफाई NFC का उसके अंदर आपको सपोर्ट मिल जाता है। ऑटो फोकस की बात करें तो 9 ऑटो फोकस पॉइंट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, स्क्रीन साइज की बात करें तो 3 इंच की LCD डिस्प्ले इसके अंदर मिल जाएगी। ISO की बात करें तो दोस्तों 100 से 6400 तक के बीच में आप सेट कर सकते हैं, जिसको आप एक्सटेंड करके 12800 तक भी कर सकते हैं। और दोस्तों, बाकी कुछ इसकी भी स्पेसिफिकेशन रह गई हो तो वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी इन दोनों कैमरास के स्पेसिफिकेशंस के, भैया 3000D के अंदर क्या मिलता है, 1500D के अंदर क्या मिलता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों में से कौन सा कैमरा लेना चाहिए और कौन सा कैमरा नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसको वीडियो शूट करने के लिए लेना चाहते हैं तो ये दोनों में से जो कोई भी कैमरा है वो आपके लिए नहीं है। उसके पीछे की वजह है वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर वीडियो शूट नहीं होती, इनके अंदर जो है पहले जो दोनों ही कैमरा के अंदर टिल्टेबल स्क्रीन नहीं है। और दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो है वो डुअल पिक्सल आउटो फोकस टेक्नोलॉजी नहीं है। अब दोस्तों, टिल्टेबल स्क्रीन यार वीडियो शूट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब चाहे आप वीडियो यूट्यूब के लिए शूट कर रहे हो या कोई और वीडियो शूट कर रहे हो, तो आपको टिल्टेबल स्क्रीन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत उसकी होती है। और दोस्तों, जो दूसरी चीज़ है वो है डुअल पिक्सल आउटो फोकस टेक्नोलॉजी। अब यार डुअल पिक्सल आउटो फोकस टेक्नोलॉजी तो इनमें से कोई भी कैमरा के अंदर है नहीं, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप ज्यादा कैमरे के अंदर हिलेंगे डुलेंगे तो जो फोकस है वो आपको इतना सा अच्छे से नहीं होगा और आपको थोड़ा बहुत ब्लर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ये जो दोनों कैमरा है वो वीडियो शूट करने के लिए नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि भैया अगर आप सिर्फ और सिर्फ फोटोज क्लिक करना चाहते हैं, आपको वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं करना, आपको सिर्फ नॉर्मली फोटोज क्लिक करना है, आपको टिल्टेबल स्क्रीन भी नहीं चाहिए, आपको डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी भी नहीं चाहिए, आपको वीडियो का कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ करनी है फोटोज क्लिक, आपका बजट कम है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भैया आप 3000D यानी 3000D ले। 1500D बिल्कुल भी ना लें। उसके पीछे की वजह है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जो 3000D है वो आपको 22-23 हज़ार तक के अंदर आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा। आप ऑनलाइन देखेंगे तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा 25-26 हज़ार के अंदर मिल जाएगा, लेकिन आप उसको ऑफलाइन लेना वो आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं 1500D की कि भैया मैंने क्यों मना करा था कि 1500D नहीं लेना है, आपको लेना है 3000D अगर आप सिर्फ और सिर्फ फोटोज़ क्लिक करना चाहते हैं तो। तो दोस्तों, बात सिर्फ इतनी है, जो 3000D है वो आपको 24-25 हज़ार रुपये में बजट में आपको फोटोज़ क्लिक करने के लिए काफ़ी अच्छा कैमरा है, लेकिन जो आपका 1500D है वो मिलता है आपको ऑफलाइन 33 से 34-35 हज़ार रुपये का, और ऑनलाइन आपको मिलता है 36-37-38 हज़ार रुपये का। अब दोस्तों, 38 हज़ार रुपये यानी 35-36 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद आपको ना ही डुअल पिक्सल आउटो फोकस टेक्नोलॉजी मिलती है, ना ही आपको लेटेस्ट इमेज प्रोसेसर जो कि कैनन के 200D में डिजिक 7 का प्रोसेसर है वो आपको मिलता है, और ना ही आपको टिल्टेबल स्क्रीन मिलती है जिससे कि आप अच्छे से वीडियो वगैरह शूट कर पाएंगे। तो यार 35-36 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलती है, तो इससे अच्छा आप थोड़ा सा बजट और बढ़ा के कैनन 200D को लीजिए। तो दोस्तों, बात करें कैनन 200D के बारे में, तो भैया कैनन 200D मैंने क्यों कहा था कि आप 1500D की जगह बजट थोड़ा सा बढ़ा के कैनन
200D लें। तो दोस्तों कैनन 200D के अंदर आपको डुअल पिक्सल आउट ऑफ फोकस टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे आपको फोकसिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दोस्तों बात करें कि भैया इसके अंदर आपको टिल्टेबल स्क्रीन भी मिलती है, और दोस्तों इसके अंदर आपको डिजिक 7 का लेटेस्ट इमेज प्रोसेसर मिलता है। तो दोस्तों आप 35-36 हज़ार रुपये 1500D में क्यों खर्च करेंगे, जब आपको 38-39 हज़ार का ऑफलाइन मार्केट में कैनन 200D मिल जाएगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आप लीजिए कैनन का जो है 3000D, जो कि आपको 23-24 हज़ार रुपये की रेंज में ऑफलाइन मिल जाएगा। कोई भी कैमरा जो भी मैंने आपको बताए हैं आप ऑनलाइन मत लीजिए, ऑनलाइन आपको काफ़ी महंगे मिलेंगे। अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाके थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करेंगे इनके ऑफिशियल स्टोर पे कैनन के पे, तो आपको काफ़ी अच्छी प्राइस में कैमरास मिल जाएंगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आते रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।